where the movie started. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. जितना भी ट्राई करो लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, तो जा है वहीं का मजा लेते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, वैसे हमें वैष्णो देवी मंदिर जाना था, बट हम कुछ कारणवश या लगा लीजिए वो काफ़ी दूर था, और अगर हम वहाँ जाते तो शायद हम प्रेम मंदिर ना देख पाते, तो इसलिए अब हम प्रेम मंदिर में आए हैं। तो रूट थोड़ा सा डाइवर्ट किया और हमने सोचा सारे टेम्पल्स ना देख कर क्यों ना एक ही मंदिर को हम अच्छे से देखें, तो इसलिए आज हम प्रेम मंदिर आ गए। अभी हम पहुँचे हैं, जस्ट मेन गेट पर हैं। अभी यहाँ पर लाइन वगैरह लगी हुई है, तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जब आप अंदर जाते हो, बेस्ट पार्ट इज कि आप यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हो। ले ले। वो क्या होता है? आज वृंदावन में आके मेरी हिंदी तो ठीक हो जाएगी। इतना सुंदर है ना, अभी फुहारे भी चलेंगे। हाँ, रात को और अच्छा लगेगा। कैसा लग रहा है माँ आपको? अच्छा लग रहा है। यहाँ भीड़ नहीं है? भीड़ है लेकिन खुला तो है। यहाँ पे भीड़ नहीं है ना? भीड़ है, बहुत है भीड़ तो। यहाँ थोड़ी खुले में भीड़ है, वहाँ पे भीड़ी गली में भीड़ है ना, ऐसा लग रहा है। वो शांति कितना अच्छा सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। और जो यहाँ की पेंटिंग्स है और जो यहाँ पे मतलब मेंटेनेंस है, मतलब इतनी भीड़ के होने के बावजूद बहुत साफ सुथरा है, बहुत साफ सुथरा है। बाकी देखते हैं आगे आगे। प्रेम मंदिर इज अ हिंदू टेम्पल इन वृंदावन मथुरा इंडिया। इट इज मेंटेन्ड बाय जगत गुरु कृपालु परिषद, एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट। द कॉम्प्लेक्स इज ऑन अ 55 एकर साइट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वृंदावन। इट इज डेडिकेटेड टू राधा कृष्ण एंड सीताराम। राधा कृष्ण आर ऑन द फर्स्ट लेवल एंड सीताराम आर ऑन द सेकेंड लेवल। The temple structure was established by the 5th Jagat Guru Kripalu Maharaj. Prem Mandir is constructed entirely of Italian marble. Best time to visit this temple is between October to April. प्रेम मंदिर बहुत अच्छा लगा हमें, स्पेशली ये ना बहुत मल्टी कलर है, इसमें हर तरीके का कलर है, हर तरीके की लाइट है, पेंटिंग्स एक से एक है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स है। मतलब हाँ, मंदिर बहुत देखे हैं बट ये कुछ अलग देखा है। और आज पता चला वृंदावन का मंदिर क्यों फेमस होता है, इसलिए फेमस है, कुछ अलग है आर्किटेक्चर वाइज भी, लाइटनिंग वाइज भी, पेंटिंग वाइज भी। बाकी एक्सप्लोर करते हैं। अभी हमने एंट्री की है और एंट्री में ही हमारे मतलब आँखें चंदे आ गई, खुल गई है ना, और हमारी माता जी भी पूरी खुश है। अब भीड़ से थोड़ी रिलैक्स है क्योंकि हवा लग रही है इधर, है ना। सबसे बड़ी बात, वहाँ तो दम घुट गया था माया ना, बीड़ी बीड़ी गली में माता बोली मैं नहीं जाती अब। पब्लिक यहाँ भी इतनी धक्का धक्का लग रही है, जैसे चल रहे हैं, खड़ा नहीं होने, चलता हुआ ट्रैफिक है, जाम वाला ट्रैफिक नहीं है, खड़ा नहीं होने दे रहे हैं यहाँ भी। आओ देखते हैं। मंदिर में टोटल 94 पिलर हैं, जिन्हें राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से सजाया गया है। मंदिर में फव्वारे, राधा कृष्ण की मनोहर झांकियां, श्री गोवर्धन लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीला की झांकियां बाग बगीचों के बीच सजाई गई है। रात में मंदिर की लाइटनिंग कई रंग बदलती है, वहीं झांकियां भी एक्शन करती हुई नजर आती हैं। पूरा परिसर जगमगा उठता है। हर रोज शाम को करीब आधे घंटे का यहाँ फाउंटेन शो भी होता है। इस मंदिर के खुलने का समय सुबह 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक है। इस मंदिर में अगर और मंदिर में देखोगे ना, चढ़ावा भाई, यहाँ से फूल ले लो, यहाँ से मिठाई ले लो, वो मंदिर में चढ़ावा प्रसाद, बट यहाँ इतना नहीं है, होगा बट इतना नहीं है। चढ़ावा होगा लेकिन अंदर होगा मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत, अंदर भी नहीं है। अंदर भी नहीं है,
चढ़ावा यहाँ कहीं नहीं है, सबसे बढ़िया तभी थोड़ा साफ सुथरा भी है। गुल्क में डाल देना, गुल्क वही है बस। हाँ। बस वही है। वही ऐसे नहीं है कि परे दाव के मंदिर में गए 2100 दो इतना दो, वो नहीं है। फिर अच्छा है, वरना क्या ना मंदिर में जाओ ना प्रसाद पैरों के नीचे, फूल पैरों के नीचे। नहीं वहाँ गए थे अपन, उसमें था बाकी बिहारी मंदिर में जो बाहर सब प्रसाद दे रहे थे ना, वो के अंदर लेके जाओ चढ़ाने के लिए। प्रेम साधन सामग्री मतलब हाँ, हिंदी स्कॉलर्स बताएंगे प्रेम साधन सामग्री मतलब। यहाँ पे कृष्ण के प्रेम के सारे साधन दिखाए हुए हैं। अच्छा हाँ, प्रेम साधन सामग्री। अच्छा सारी यहाँ पे वो जो मतलब प्रेम के वो साधन थे ना, गाय थी। हाँ वो सारे गोवर्धन था अपनी गौओं के लिए प्रेम था श्री कृष्ण जी का। हाँ। गोपियों के लिए राधा के लिए जो प्रेम था वो सारा चरित्र झांकियां जो चित्र कला है वो प्रदर्शित की गई है। हाँ। इसलिए उसको लिखा गया प्रेम साधन सामग्री। लेकिन सामग्री तो कुछ होता ना, मतलब वो नहीं होती जो हवन में डालते हैं, सामग्री मतलब सामान। अच्छा पीछे वहाँ पे अपना वेस्ट निकलता है। हाँ परिक्रमा मतलब उसके चारों तरफ घूमो गोल गोल, है ना। चल हिंदी बता परिक्रमा क्या होती है। परिक्रमा मतलब मंदिर के चारों तरफ के दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने अपना ज्यादातर बचपन ब्रज में बिताया था, गोवर्धन पर्वत ब्रज में ही था। भगवत पुराणों के अनुसार जो ग्वाले थे गोवर्धन पर्वत के नजदीक रहते थे, वो भगवान इंद्र की पूजा किया करते थे। भगवान इंद्र बारिश का प्रतीक थे। भगवान श्री कृष्ण को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि ग्वाले इंद्र को पूजते थे। श्री कृष्ण चाहते थे कि ग्वाले गोवर्धन पर्वत की पूजा करे। कृष्णा के अनुसार जो पेड़ थे वो उन्हें ऑक्सीजन देते थे और जो घास फूस थे वो गायों का चारा बनते थे, तो इसलिए वो चाहते थे कि ग्वाले गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। और श्री कृष्ण ज्ञानी और शक्तिशाली थे जिसकी वजह से ग्वालों ने उनकी ये सलाह भी मान ली। लेकिन इससे भगवान इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने क्रोध में आकर बहुत तेज बारिश कर दी और तूफान ला दिया। जो ग्वाले थे ग्वालों को वर्षा और तूफान से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने सीधे हाथ की छोटी उंगली से उठाकर सभी ग्वालों और पशुओं को पर्वत के नीचे आश्रय दिया। 7 से 8 दिन बाद जब देखा कि ग्वाले अब भी सुरक्षित हैं, उन पर कोई असर नहीं है, तो भगवान इंद्र ने अपनी हार मान ली। गोवर्धन पर्वत एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत था। कहा जाता है कि ये इतना बड़ा था कि सूर्य को भी ढक लेता था। ऐसा कहा जाता है कि 5000 साल पहले गोवर्धन पर्वत करीब 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था। आज इसकी ऊंचाई सिर्फ 25 से 30 मीटर रह गई है। ऐसी मान्यता है कि एक ऋषि के शाप के चलते इस पर्वत की ऊंचाई आज तक घट रही है। बिल्कुल तिल के साइज में ये पर्वत आज भी घट रहा है। म्यूजिकल वाटर शो भी है यहाँ पर जो कि 6 बजे स्टार्ट होता है। इस वाटर शो में क्या है, लाइट्स और पानी के थ्रू काफी सारी मतलब जो लीलाएं थी कृष्ण की वो दिखाई जाती हैं वाटर फाउंडेशंस के थ्रू। और इट इज समथिंग लाइक ए रियली ब्रेथ टेकिंग, इट लुक्स समथिंग वेरी स्पेशल एंड यूनिक। और जो म्यूजिकल फाउंटेन है उसे डांसिंग फाउंटेन भी बोला जाता है। ये एक टाइप का एनिमेटेड फाउंटेन है जो कि एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए यूज होता है। ये होता है, अगर साइंस वाले स्टूडेंट है तो वो समझ सकते हैं। एक्चुअली इसमें रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट का कंसेप्ट है। जो वाटर है वो रिफ्रैक्ट करता है एंड रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, और इसी तरीके से जो 3D इमेज है वो प्रोड्यूस होती है। और मे बी इसे हम जो टाइमिंग्स होती है साउंड वेव्स की और लाइट की, उनकी टाइमिंग्स रहती है, कुछ ना कुछ लेजर वगैरह इंक्लूड है इसमें, तब जाकर शायद ये टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रॉपर एक पिक्चर शो होती है। बट इट वॉज रियली रियली अमेजिंग, समथिंग डिफरेंट स्पेशली इन मंदिर्स। एंड इसमें अलग अलग फोटोज भी मतलब आती हैं, तो कहीं ना कहीं टाइमिंग रहती होगी पानी की, लेजर लाइट्स की, किस टाइमिंग पे ऐसे रहता है। ये सत्संग दिखाया जा रहा है अभी।
और ये सासु बहु प्रेम साधन सामग्री लेने के लिए जाते हुए, ये तो नहीं सोचते सासु बहु आज दे प्रेम बढ़ा लें अपना। ये देखो शॉपिंग शुरू हो गई है लेडीज की। है ना, आज का टूर यही खत्म होता है, कल फिर मॉर्निंग में स्टार्ट होएगा। राधे राधे बोल मन गोविंद राधे, सुर दुर्लभ तनु सफल बना दे। जप नाम जप नाम।